लागल लागल झोलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चल हाँ बोला कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। पिछड़ों की आवाज कहे जाने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपने कार्यशैली से और राजनीतिक सूझबूझ के कारण चर्चा में बने रहते हैं। गरीबों के संबल सामाजिक न्याय एवं सांप्रदायिक सौहार्द के सबसे प्रबल स्तंभ लालू प्रसाद यादव के 75वें जन्म दिवस को राजद ने सामाजिक न्याय एवं सद्भावना दिवस के रूप में मनाया। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। 11 जून 1948 को बिहार के फुलवरिया में जन्मे लालू को देश के उन नेताओं में माना जाता है जिन्हें न सिर्फ प्रशंसक बल्कि विरोधी भी पसंद करते हैं। लालू यादव का मजाकिया अंदाज बटोरों को आकर्षित करने का ब्रह्मास्त्र माना जाता है। हाँ बोला कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए हमारे। लागल लागल झोलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चल चला। पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज से एलएलबी और राजनीतिक विज्ञान में मास्टर पूरा करने के बाद लालू यादव बिहार पशु चिकित्सक कॉलेज पटना में क्लर्क के रूप में काम करते थे। उनके बड़े भाई इसी कॉलेज में I have earned crores and crores every day, and they are saying Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. Ford Great में काम करते थे। लालू जब गांव छोड़कर आए तो इन्हीं के पास आकर खाना बनाना सीखा। फिर किसे पता था कि वह फुलवरिया का लाल सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। ये इनका भय कि जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो, जादू फूटे वाला है वो, जादुए के बेवकूफ समझता है। जादू लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी देगा। लालू के कुल 6 भाई बहन हैं। लालू और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के 9 बच्चे हैं, 2 बेटे और 7 बेटियां। फुटबॉल, कुश्ती, क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन और अन्य इंडोर खेलों में इन्हें काफी लगाव रहा है। लालू ने वर्ष 1990 में देश की सियासत को लालू ने वर्ष 1990 में देश की सियासत को तो बदली ही, अपने परिवार को भी राजनीतिक विरासत सौंप कर देश की सत्ता में अपनी भागीदारी भी निभाई। लालू का मजाकिया अंदाज बिहार में नहीं पूरे भारत में फेमस है। यूं कहो लालू इज द टॉप लीडर इन बिहार, अब भी लोग मानते हैं। लालू मजाक मजाक में ही बहुत कुछ कह कर निकल जाते हैं। लालू का अंदाज हमेशा ही निराला रहता है। राजनीतिक प्रतिक्रिया भी लालू देते हैं अपने अंदाज में और विरोधियों को धूल चटाने का भी काम करता है। राम जी तो बोला था लोगों को कि हम योगासन करेंगे रामलीला मैदान में, आज अब पुलिस आई तो कुदासन कर दिया। ये लड़की का कपड़ा पहन के भागा ब्लाउज फरवा कर। हमने कहा कि जब तबला बजेगा धीम धीम तो एक आदमी पर बैठेगा धीम धीम 50 करोड़ 70 करोड़ 90 करोड़ कितना दे। अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी
को ना समझते हैं, हमको भी फायदा होता। हमारा हमारी 7 बेटी 2 बेटा और लालू और राबड़ी 11 और 15.5 से गुना कर दो तो 1 करोड़ कई लाख हो जाता। बैठ के चाहते रहते हम लोग मोबाइल में निकाला, मम्मी बचवा सब ठगा गया, मम्मी अच्छा जी 15.5 लाख रुपया याद आ गया हमको। एक क्लिक चलाए हैं हम, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी।